अब इसके साथ हम कुछ कनेक्शन करते हैं, एलईडीज़ वगैरह लगाने में आपको सिखाता हूँ, जिससे ये हो जाएगा कि हमारे पास जब पुश करें तो एलईडी ऑन हो जाए, और इस तरह से उसको पुल अप करें तो हमारे पास एलईडी ऑफ हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग एक अदर जो है वो बैटरी उठा लेते हैं, और ये बैटरी को हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो लोअर हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन्स हैं उसमें एक जो हमारे पास लोअर लाइन है उसको हम लोग जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जो हमारे पास अपर जो वर्टिकल लाइन है उसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। बिफोर गोइंग अहेड कोडिंग की तरफ जाने से पहले हमें कुछ और चीज़ें भी सीखनी लाजमी हैं, ताकि हम लोग कोडिंग को जब इम्प्लीमेंट करने लगेंगे तो हमें आर्डिनो के साथ जो हार्डवेयर इंटरफेस करेंगे तो उस हार्डवेयर को इंटरफेस करने का हमें तरीका भी आना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेड बोर्ड का पता होना चाहिए, ब्रेड बोर्ड पे कनेक्शन कैसे किए जा सकते हैं। उसके अलावा कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बहुत लाजमी है, ताकि हमारा आर्डिनो या और अदर कंपोनेंट जो हैं वो जल ना जाएं। और इसी तरह से हमें कुछ इनपुट्स का पता होना चाहिए, इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं, या इनपुट या आउटपुट पोर्ट्स कैसे आर्डिनो की हो सकती हैं, सेंसर्स क्या हैं, एनालॉग या डिजिटल में क्या डिफरेंस है, बिट और बाइट क्या चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें भी हमें कोडिंग से पहले का पता होना लाजमी है। कुछ जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो आज की वीडियो हम लोग कवर कर लेंगे, जिसमें ब्रेड बोर्ड होगा, मेकिंग कनेक्शन विद ब्रेड बोर्ड हो जाएगा, और द अदर थिंग जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जो ही ब्रेड बोर्ड का माइंड में आता है तो ऐसे लगता है जैसे कोई ब्रेड बोर्ड पे पड़ी हुई है, तो उसको हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं तो बिल्कुल ये गलत है, ऐसा सच कुछ चीज़ नहीं है। एक्चुअली ब्रेड बोर्ड इस तरह के जो आपको आपके पास कुछ एक नज़र आएगा बोर्ड सा, इसको हम ब्रेड बोर्ड कहते हैं। इसमें कुछ आपको होल्स नज़र आ रही हैं, कुछ वर्टिकल हैं और कुछ हॉरिजेंटल हैं, इनका आपस में कुछ कनेक्शन होता है। और जब मैं इनकी बात करूं तो ये आपस में जुड़े होंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस डॉट का इस डॉट से कोई कोई मतलब कनेक्शन नहीं है। इसी तरह से इस डॉट का इस डॉट से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप कोई चीज़ इधर जोड़ती हैं तो वो नीचे तक सारी जुड़ी होगी। इसी तरह से सिमिलर फैशन में ब्रेड बोर्ड की अगर ये ऊपर हम लोग वर्टिकल की बात करते हैं, सॉरी हॉरिजेंटल की बात करते हैं, तो ये हमारे पास यहाँ से लेकर हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं, सॉरी ये लाइन जो है हमारे पास हॉरिजेंटल जो यहाँ से लेकर ये मोस्टली यहाँ तक कनेक्टेड होती है, यानी कि ये आपस में कनेक्ट है, ये आपस में कनेक्ट है, ये आपस में कनेक्ट है, और ये आपस में कनेक्ट है। इसको हम ओपन करके भी देख लेते हैं। इस तरह से ये यहाँ तक कनेक्टेड होती है, यहाँ तक जहाँ पर आपके पास बिग गैप होता है। सम केसेस में ये यहाँ से लेकर एंड तक कनेक्टेड होगा, लेकिन इस ऊपर वाली लाइन का नीचे वाली लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, ये ओपन है। तो अब हम ब्रेड बोर्ड को देखते हैं कि ब्रेड बोर्ड को एक्चुअली हम यूज़ इसलिए करते हैं ताकि डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको इस पे टेम्परेरी तौर पर हम लोग कनेक्शन दे के हम लोग आउटपुट चेक कर सकें। जब कनेक्शन वेरीफाई हो जाते हैं, हमारा सर्किट चल जाता है, तो फिर हम इसको प्रॉपरली शोल्डर की तरफ जाते हैं, शोल्डरिंग करते हैं, पीसीबी डिज़ाइन की तरफ जाते हैं, या लाइक दैट। उससे पहले आप एक प्रोटोटाइप बनाते हैं जिसमें आपको इजीली चेक हो जाता है कि आपका सर्किट ठीक है कि नहीं है। इस तरह से आर्डिनो के केस में भी आप इस तरह से कनेक्शन करेंगे, कुछ आपके पास जो पोर्ट्स होंगी उसके साथ कुछ आपने कंपोनेंट्स लगाने होंगे, चाहे वो एलईडीज हैं या कुछ सेंसर हैं, तो उनको यहाँ से ब्रेड बोर्ड के जरिए कनेक्ट करेंगे। अब ब्रेड बोर्ड को थोड़ा सा ओपन करके देखते हैं। ये आपके पास ब्रेड बोर्ड है, अगर आप इसको क्या करेंगे उसकी बैक साइड पे आपको डबल टेप नज़र आएगी। उस डबल टेप को उतारना नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको मैं वैसे उतार रहा हूँ समझाने के लिए, अगर वो उतारते हैं तो आपको बैक साइड पे ये नज़र आएगा। ये देखें, ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिप है, जो मैं ये कह रहा था ना कि ये जो आपके पास डॉट हैं ये आपस में जुड़े, लेकिन ये स्ट्रिप का इससे कोई तल्लुक वास्ता नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। सिमिलर फैशन में इसका इसके साथ कोई नहीं है, इसका इसके साथ। अगर मैं इसको ये सपोज करूँ इधर कोई चीज़ जुड़ी हुई है और कोई दूसरी इधर चीज़ जुड़ी है, तो आपस में जुड़ जाएंगी, ठीक है। सिमिलर फैशन में अगर यहाँ पर कोई आपने पॉइंट पे कोई आपने जोड़ किया या लगाई है, तो दूसरे आपके केस में नीचे वाले कोने में इस होल में या इसमें किसी में भी लगाई, तो आपस में वो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपस में जुड़ जाएंगी, ये शॉर्ट हो जाएंगी। सिमिलरली आप ऊपर देखें तो ये देखें यहाँ से बाहर शुरू होती है तो यहाँ तक, सिमिलरली नीचे वाली यहाँ से शुरू होती है यहाँ तक। इसका मतलब है इस होल इधर जो होल होगा ये इधर कोई चीज़ आप लगाएं या इधर आप लगाएं तो वो आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मली आप दो तार उसी तरह, और कुछ केसेस में ये गैप नहीं होता, ये पूरी एंड टू एंड ये आपके पास तार जो है वो।
अब ये देखें, ये एक्चुअली थोड़ा सा बैक आए, तो मैं सिर्फ इसकी बात करता हूँ। ये जो है ना, इसको अगर देखें तो ये इसमें इस तरह से आपको ये स्ट्रिप्स ही नज़र आती है कंडक्टिव। ये होल्स जो हैं, ये वाले होल्स होते हैं, ये होल्स होते हैं। तो मतलब आपने यहाँ पर कोई चीज़ लगाई तो वो डेफिनेटली ये देखें नीचे से जुड़ी हुई है। यहाँ पर कोई लगाई है, यहाँ पर लगाई, वो आपस में क्या हो जाएंगी, वो जुड़ जाएंगी। अब ये देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि अगर आर्डिनो बोर्ड को देखें इस तरह से, तो आपको मैंने कहा था कि हमारी तो अब लाइफ ईजी हो गई है। आर्डिनो बोर्ड बना बनाया मिल जाता है, सारी चीज़ें इस पे लगी हैं। इस पे माइक्रो कंट्रोलर भी लगा होता है, इसमें अदर कंपोनेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं, क्रिस्टल है या कुछ, आपके पास रेगुलेटर्स हैं, आप कैपेसिटर्स हैं, आईओ पोर्ट्स की जगह जो बनी हुई है, पावर देने के लिए सॉकेट्स लगी हुई हैं, और इसी के ऊपर आपके पास प्रोग्रामर भी है जो उसको प्रोग्राम भी कॉपी कर देता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी इसी बोर्ड के ऊपर लगी हैं, आपने जस्ट करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपना आर्डिनो इस तरह से ब्रेड बोर्ड पर डिज़ाइन करें, तो वो भी आप इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे आप क्रिस्टल, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स, पुश बटन्स और पावर के लिए बहुत सी चीज़ें आपको इस तरह से लगा। अब ये इससे देखते हैं कि हम लोग किस तरह से कनेक्शन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आप लोग इस ऊपर वाले डॉट पे कोई चीज़ जोड़ेंगे तो नीचे तक वो आपके पास जुड़ी होगी। सिमिलरली किसी भी पॉइंट में आप देखें तो ये आपके पास आपस में लाइंस जो हैं वहाँ तक जुड़ी। लेकिन नेक्स्ट अगर आप उसकी बात करते हैं तो उसकी नेक्स्ट लाइन के साथ कोई कनेक्शन। तो इसी तरह से ये इसको भी देखें, इसको आप पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक जुड़ी है। इन केबलों को भी चेक कर लें तो ये तार आपस में नीचे से जुड़ी होंगी। इसकी बात करते हैं, अगर ये वो केस है जिसमें हमारे पास, हमने कहा था कि दरमियान में गैप नहीं है, तो आप इस पॉइंट पे अगर आप जोड़ेंगे तो बिल्कुल एंड टू एंड तक आपके पास वो कनेक्शन हुआ होगा। सिमिलरली आप लोअर केस में भी देख लें तो इसमें भी आपके पास ये इस तरह से तारें जुड़ी। तो ये जो हमारे पास ऊपर हॉरिजेंटल है, इसका एंड टू एंड कनेक्शन है, लेकिन हॉरिजेंटल टू लाइन जो है उसका नीचे वाली लाइन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एंड टू एंड ये कनेक्टेड है, ठीक है। इसका ऊपर वाली लाइन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब फर्दर आप इसी तरह से कुछ इस तरह लगाना चाहते हैं, तो दूसरी अगर लाइन को आपस में साथ जोड़ना चाहते हैं, यानी कि मैं बात करता हूँ, तो आपको भी एक जंपर वायर लगानी पड़ेगी। जब जंपर वायर लगाएंगे तो ये दोनों जो आपके पास लाइंस हैं वर्टिकल, ये आपस में जुड़ जाएंगी। अब एक एक जंपर वायर लगाएं या एक से ज़्यादा लगाएं तो एक ही बात है, एक ही लगाएंगे तब मीनिंगफुल हो जाएगा, एक से ज़्यादा लगाने का फायदा नहीं। अब ये जो ऊपर है ये भी अब आपस में ये शॉर्ट हो गई है, क्योंकि आपने एक जो है वो जंपर वायर से जोड़ दिया। अब नीचे वाली और ऊपर वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो आपके पास शॉर्ट हो गई है फेशन में, जिस तरह से नीचे भी आपने देखा वर्टिकल केस में भी। अब आपने लेट्स सपोज कोई रजिस्टर है, उसको आपने सीरीज में जोड़ना है। सीरीज से मतलब ये है कि एक रजिस्टर का हेड दूसरे की टेल, हेड टेल, इस तरह से उसको हम सीरीज कहते हैं। तो ये इस तरह से आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो कुछ इसमें मिस्टेक्स भी होती हैं जो नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं, वो भी आपको दिखा दूंगा। अब ये नीचे वाले हॉल में लगाएं, ये उसके ऊपर बिल्कुल लाइन में लगाना है, तब आपके पास ये जुड़ जाएगा। अब ये सीरीज में है, ये तमाम के तमाम जो रजिस्टर्स हैं ये आपस में सीरीज में कनेक्ट हो गए हैं इस तरह से। लेकिन ये है कि आप अगर लाइन में गैप दे देंगे तो फिर ये आपस में कनेक्टेड नहीं होंगे। तो इस तरह से आपने जोड़ना है, आप वो होल नीचे हो या ऊपर हो उसकी इशू नहीं है, लेकिन आपने इस तरह से उसको छोड़ देना है। लेकिन फर्दर अभी एक और केस है हमारे पास, जिसमें हम लोग ये देखते हैं कि अगर रजिस्टर इस तरह से जो स्टूडेंट जोड़ते हैं तो ये अब आपस में गैप है, इस तरह से जोड़ना है, तो फिर आपको बीच में एक या जम्पर वायर लगानी पड़ेगी, या फिर आप अपने सरकोट उसकी इन लाइन कर देंगे, इन लाइन वाले लगा देंगे, या दूसरा केस के आपके पास इसको जंपर वायर से जोड़ अगर, अदरवाइज ये आपस में डिसकनेक्ट होगा, नहीं तो इसका कनेक्शन आपस में नहीं होगा, ठीक है जी। तो जो दूसरा केस है हमारे पास रजिस्टर्स का, पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। पैरेलल कनेक्शन में ये है कि हेड हेड के साथ और टेल टेल के साथ पोस्टर से देख लेते हैं, ये सिंपल है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं इसके इधर लगा देता हूँ रजिस्टर के, हेड के साथ हेड हेड जोड़ दूँ, टेल के साथ टेल जोड़ दूँ, बस ये रजिस्टर आपस में क्या हो जाएंगे, इनका पैरेलल में कनेक्शन हो जाएगा। दो तो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं ये सारे आपस में पैरेलल कनेक्शन। ऊपर वाले केस में आपने देखा हेड टेल उस हेड टेल समझाने के लिए, इनफैक्ट इसकी कोई पोलरिटी नहीं होती रजिस्टर की, किसी को हम ऐड कह सकेंगे, किसी को इसके कोई प्लस माइनस नहीं होता। अच्छा, ये आपको समझाने के लिए कि एक हेड दूसरे की टेल, ताकि आपको समझ। अब एक केस देखते हैं जिसमें हम कोई एक रजिस्टर सीरीज और फिर फर्दर पैरेलल, देन फिर सीरीज में देख लेते हैं। ये जो रजिस्टर है आपस में दोनों सीरीज में है, और ये इन नीचे वाले दो की बात करूँ राइट साइड में, तो ये आपस में पैरेलल में है, लेकिन जो के सामने है उन उसके साथ ये सीरीज में है। और फोर्थ जो रजिस्टर है उसके साथ ये जो सेंटर वाले दोनों जो हैं वो सीरीज में, सेंटर वाले आपस में पैरेलल में है, लेकिन पहले और चौथे के साथ आपस में क्या है, सीरीज में है।
ठीक है, तो इस तरह से भी ये भी आपके पास कम्बिनेशन हो सकते हैं, मैनी मोर कम्बिनेशन हो सकते हैं। कन्फ्यूज नहीं होना है, जस्ट समझाने की आता है ताकि आप कनेक्शन करें तो आपको पता चले दो चीज़ें आपस में जोड़नी है, सीरीज या पैरेलल में जोड़नी है, तो कैसे ब्रेड बोर्ड पर जोड़ी जा सकती है। अब ये देखें कि जो हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं तो उसमें हमने एक जंपर वायर लगा दी थी, ये इट मेक्स सम सेंस कि हमने दो वर्टिकल लाइंस को आपस में कनेक्ट कर दिया। लेकिन जब आप रजिस्टर को जोड़ते हैं तो रजिस्टर के केस में ऐसा नहीं होता कि जो पहली वर्टिकल लाइन है और जो दूसरा उसका एंड जुड़ा हुआ वो आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये बीच में रजिस्टर है, फर्स्ट वन केस में ये वायर है और सेकंड केस में ये रजिस्टर है, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों तारें जो है ना वो दोनों जो वर्टिकल लाइन है वो आपस में कनेक्ट नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह से ये एक सेंसिबल बात नहीं है कि आप जो है ना एक स्ट्रेट पाथ में वर्टिकल लाइन पे एक आप जंपर वायर लगाते हैं, उसका कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। सिमिलर फैशन में अगर आप रजिस्टर इस तरह से लगाएंगे तो वो भी एक हमारे पास सेंसिबल बात नहीं होगी, क्योंकि हमेशा जो करंट है वो ईजिएस्ट पाथ को फॉलो करते हैं। इस तरह जब लगाएंगे तो ये रजिस्टर लगाना या ना लगाना बराबर हो जाएगा, करंट जो है नीचे जो आपके पास कनेक्शंस हैं, नीचे जो होल्स के नीचे जो आपके पास कनेक्टर है वहाँ से गुजरेगा, रजिस्टर से करंट नहीं गुजरेगा। तो इस तरह से ये आपके पास रजिस्टर आपने वैसे ही लगाया हुआ है तो ये नहीं है। लेकिन अगर आप इसी रजिस्टर को हम अगर कर दें, प्लेस कर दें लोअर पोर्शन में, तो अब ये बीच में से ब्रेक है, ठीक है। अब इसका ऊपर वाला जो वर्टिकल कॉलम आपके पास है उसका नीचे वाले के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, अब सेंस बनता है, अब कनेक्शन का सेंस बनता है, अब ये रजिस्टर जो है वो काम करेगा कोई भी सर्किट में किसी तरह से भी लगाएं। अब ये दोनों रजिस्टर आपस में किस तरह से हैं, ये सीरीज में है, ठीक है। सीरीज में वही आपने बस कॉन्सेप्ट बनाना है हेड टू टेल वाला, कि हेड टेल से जुड़ा हो तो वो सीरीज हो जाएगा इस तरह से। फर्दर अगर पहले हमने वो देखा था पैरेलल का केस देखा था, तो अब इस केस में ना जब मैं इसको रजिस्टर को मैं अगर उठा के इधर ऊपर लगाता हूँ तो अब ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि पैरेलल की क्या शर्त है, हेड हेड से जुड़ा हो टेल टेल से जुड़ा हो, लेकिन ये जुड़े नहीं है। अच्छा पीछे जो आपने देखा था उसमें इस केस में थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। वहाँ पर हमने सेम जो वर्टिकल लाइन थी वहाँ पर जोड़ा था, उसको थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, कुछ सर्किट बना के देखते हैं कि किस तरह सर्किट जोड़ा जा सकता है। लड़की हमारे पास एक पुश बटन है जिसको प्रेस करने से हमारे पास जो है वो कनेक्शन जुड़ जाएंगे। ये आपके पास ये ऊपर वाला उसका कनेक्शन और ये नीचे वाला है, जो ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास ये ऊपर सारे के सारे जो है वो आपस में कनेक्शन हो जाएगा, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही वायर बन जाएगी, ठीक है, पुश बटन। अब इसके साथ हम कुछ कनेक्शन करते हैं, LEDs वगैरह लगानी मैं आपको सिखाता हूँ, जिससे ये हो जाएगा कि हमारे पास जब पुश करें तो LED ऑन हो जाए और इस तरह से उसको पुल अप करें तो हमारे पास LED ऑफ हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग एक अदद जो है वो बैटरी उठा लेते हैं और ये बैटरी को हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो जो लोअर हमारे पास हॉरिजेंटल लाइंस हैं उसमें एक जो हमारे पास लोअर लाइन है उसको हम लोग जो है वो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारे पास अपर जो वर्टिकल लाइन है उसको हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कलर थोड़े से चेंज कर लें ताकि थोड़े से आपको आसानी हो जाए, ताकि कन्फ्यूज ना। अब ऊपर वाली लाइन सारी ग्राउंड है, नीचे वाली लाइन 3.7 वोल्ट, ठीक है। तो अब इस तरह से करते हैं कि हम एक पाथ को, जब भी आप कुछ सर्किट डिज़ाइन करेंगे तो उसके लिए पाथ का कंप्लीट होना लाजमी है। तो इस केस में भी हम लोग जब पाथ कंप्लीट होगा तो उसमें जो भी आपके पास सर्किट होगा, जो एलिमेंट होंगे वो ग्लो करेंगे। अब पूरी की पूरी आप देखें तो लोअर लाइन जो है वो आपके पास पॉजिटिव हो गई है, ऊपर वाली पूरी की पूरी जो लाइन है वो नेगेटिव हो गई है, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि लाजमी नहीं है कि हर ब्रेड बोर्ड जो है ना वो एंड टू एंड जुड़ा हो। मैं नीचे हॉरिजॉन्टल लाइंस की, नीचे और ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात करता हूँ, समटाइम दरमियान में से एक जगह से ब्रेक होते हैं जहाँ पर ज़्यादा गैप होता है। चलिए ये रजिस्टर लगाते हैं एक एंड पे हम पुश बटन के, और इसके साथ हम लोग एक LED लगा देते हैं। LED की पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको पता होना चाहिए, उसकी जो अगर लेग्स इक्वल हो तो फिर आपने इंटरनल जो उसकी ट्रायंगल टाइप शेप होती है उसको आपने देखना होता है, जो स्मॉल ट्रायंगल है वो आपके पास पॉजिटिव होगी और जो बिग ट्रायंगल लाइक दैट जो नजर आएगी वो आपके पास नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये आपके पास कनेक्शन हो गया। अब आपने यहाँ से इस तरह से करें कि एक वायर उठाएं, तो क्योंकि लोअर जो आपके पास है ये पूरी की पूरी जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लोअर लाइन, ये आपके पास पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। यहाँ से किसी पॉइंट से भी आप एक वायर उठाएं और उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल आप LED के साथ डायरेक्ट जोड़ दें, ठीक है। तो ये उसको उस साइड पे पॉजिटिव मिल गए। अब नेगेटिव या सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें नेगेटिव के साथ भी जोड़ना है, तो उसको हम थ्रू जो है वो
जोड़ देंगे अपने पुश बटन के जरिए जोड़ देंगे। तो इधर से एक वायर उठाएं, ऊपर वाली किसी भी डॉट के साथ आप जोड़ देंगे, पूरी की पूरी लाइन आपस में एक ही है, इसको जोड़ दें। और अब जो है ना, जो ही आप बटन प्रेस करेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा। कंप्लीट जो आपके पास यहाँ से जो पॉजिटिव करंट है वो जाएगा और सारा जाके इधर नीचे आ जाएगा, और इस तरह से आपके पास एलईडी फर्दर ग्लो करेगी।